Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. Finally, we are here at Discit Monastery and आपको दिखाता हूँ बहुत ही tall भगवान श्री बुद्ध की प्रतिमा है. इसकी जो total height है that is almost 106 feet. Like in the movies, wasting precious time assuming. मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमने ऊपर काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारी फोटोग्राफी करी और नाना प्रकार के बहुत मजे किया, वीडियोस यू नो बनाए. अब इसके बाद इस समय हो रहा है, इस समय बज गए 4 और अब हम जा रहे हैं आगे. ऑल दो जो हमारा होटल है वो यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, बट बीच में एक और मज़ेदार एक्टिविटी है जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि वर्ल्ड में वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ पे हंडर में मिलती है. चलते हैं उस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं. दैट विल बी द लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे. क्या नज़ारे हैं हंडर में, रेत पानी पहाड़. देखिए पुल भी बड़ा यूनिक बना हुआ है. तो ये सैंड ड्यून्स का एरिया है और यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. सो पहली एक्टिविटी है आर्चरी. सो आइए लेट्स ट्राई अ हैंड इन आर्चरी, देखते हैं कितनी बुल्स आई होती है. लग गया मछली की आंख में. और ये है देखिए दूसरी स्पेशलिटी, वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है, विच इज डबल हम्प कैमल सफारी. और ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये कोई जैसलमेर या दुबई में नहीं है, दिस इज इन लद्दाख. डिफरेंस क्या है, द कलर ऑफ द सैंड. Color of the sand here is white and see the view. और बहुत ही आनंद आ रहा है लद्दाख में इन दो दो पीठ वाले ऊंटों पे सवारी करते हुए. दो पीठ दो हम हाँ जी शंकी बाबू, यो कैसा लग रहा है? एकदम परम आनंद मिल रहा है. परम आनंद मिल रहा है, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, उसी का मजा है. वाह शानदार. और आपका ऊंट थोड़ा कमजोर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों. कुछ है ये, कहीं ऊंटों का खच्चर तो नहीं है? आई डोंट नो, लेकिन मस्त रेगिस्तान, उसके ऊपर ऊंट, वो भी डबल हम, सामने पहाड़ पर हम और ये शानदार हवा. ओहो हवा बहुत ठंडी चल रही है, बाय गॉड. अब हो गई है थकान डबल हम कैमल की सफारी करके और अब अपन बैठे चिल मारने के लिए मोक्ष कैफे अंडर में. तो बड़ा ही अच्छा कैफे है. तो बताइए जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वेरी टायरिंग एंड वेरी अमेजिंग. हां वेरी टायरिंग और अमेजिंग. जब इस कैफे में आते बहुत कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है. होपफुली खाना भी अच्छा हो और बैकग्राउंड बहुत अच्छा था. हां इवन कैफे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब सीटिंग भी बहुत अच्छी है.
टाइटनेस थी वो कम लग गई है। वो होता है यार, पता है अच्छी जगह देखो, यू नो एक्सप्लोर करो हर तरीके से, सो मजा तो आता ही उस जगह पे। तो हमने ऑर्डर कर दिया अपना खाना, है ना, खाना के स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, और उसके बाद में यहाँ से हमारा होटल जो है वो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वहाँ पे पहुँच के चेक इन करेंगे और फिर इन्जॉय करेंगे शाम को। सो आफ्टर एन्जॉइंग अवर मील वी हैव रीच्ड टू अवर होटल इन हंडा, और इट्स अ वेरी नाइस होटल। इस बार हमने कैंप नहीं लिए बिकॉज कैंप में रात में बहुत ठंड हो जाती है इन एरियाज में। सो आई सजेस्ट अगर आप लोग हंडर में आ रहे हो तो कैंप से अवॉइड करो, बिकॉज कैंप में रात में बहुत ठंड हो जाती है हंडर पे, पेंगोंग में या हल्ले में। सो ये दिखाता हूँ आपको होटल का व्यू। सो इट्स 9:30 इन इवनिंग और मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, बट बिकॉज रूम्स हैं तो अंदर इतनी ठंडक नहीं महसूस हो रही, एक कोजी सा एनवायरनमेंट है। और डिनर टाइमिंग्स आर 9:30 स्ट्रिक्टली, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिनर, और डिनर करने के बाद में यू नो सोएंगे बिकॉज कल मॉर्निंग भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। सो वी लीव अर्ली राउंड 7:30-8 o'clock, सो लेट्स इन्जॉय डिनर, हैव अ गुड नाइट, शब्बा खैर। आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हेयर, सो डे 6 एंड हेयर, एंड टुडे इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस वाइल वी वर क्रॉसिंग खरदुंगला टॉप, बिकॉज इतनी बर्फ आज तक कभी नहीं मिली खरदुंगला टॉप पे हमें, और डबल हम कैमल सफारी, सैंड ड्यून्स वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज लास्ट टाइम मैं सैंड ड्यून्स और डबल हम सफारी नहीं कर पाया था। सो लाइट गुड नाइट, शबक है, बब बाय, लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिनर। Dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tell her all, you know, I'm breathing, sitting on my own. Can't keep making exits from the pressure. Lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't